कशिश। आप कहाँ से आई? माचरे से। अच्छा माचरे से। जैसे माचरा डिग्री कॉलेज में आई हो आप, यहाँ पे कॉलेज खुला है नहीं? नहीं, कॉलेज मतलब कई बार खुलता है और कई बार नहीं खुलता, पर क्लास नहीं चलती। कब से ऐसा हो रहा है? फिजिक्स की क्लास तो चली है और केमिस्ट्री की तो एक भी दिन नहीं चली। तो आप यहाँ डेली चलती ना सर? मैथ डेली मतलब पढ़ाई नहीं होती तो ज़्यादातर अगर कुछ काम होता है तो आ जाते हैं। स्टार्टिंग में डेली आए थे जब क्लास चली थी ना, दो चार दिन ही हमारी क्लास चली थी बस फिजिक्स की, और मैथ की 2-3 दिन तक ही थी, और अब चली नहीं रही है। सेकंड सेमेस्टर में तो हमारी एक भी क्लास नहीं चली, अभी तो क्लास कोई नहीं। पर सेकंड सेमेस्टर के हमारे एग्जाम हो चुके हैं। एग्जाम हो चुके हैं पर क्लास नहीं सर। आप भी यहीं से हो मार्च रहे? हाँ जी। आपको क्या नाम? डोली। क्या पाँच सौ तेरी हो? जिस तरह आप कॉलेज आई हो, कॉलेज आकर बंद ही मिलता है खुला रहता है? कभी कभी बंद मिलता है, कभी कभी खुल जाता है। अच्छा, जैसे आज बंद है? हाँ आज बंद है। अच्छा, तो यहाँ पे क्लास भी चल रही है पूरी या नहीं चल रही? क्लास तो नहीं चलती है पूरी। नहीं चल रही? कब से? मैं तो फर्स्ट शुरू में आई थी मैं अभी, लेकिन क्लास नहीं चल रही थी, फिर आना छोड़ दिया मैंने भी। आप फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर चल रही है हमारी। आपका क्या नाम? नीता। आप कहाँ से? मेघराजपुर से। मेघराजपुर से। जिस तरह कॉलेज की क्लास की समस्या भी सामने आ रही है, कॉलेज में क्लास नहीं चल पा रही है यहाँ पे? यस सर। सर यहाँ तो ऐसी है कि चलती है, अपनी मर्जी का करते हैं सर, जब चाहे चाह जब बुला लिया, जब चाहे ना मत बुलाया, मतलब 1 बजे 2 बजे ननू देखे बच्चे दोपहर में, मतलब दोपहर इतनी हो रही है, कभी वो बुला लेते हैं। सर ने आज फाइल के लिए बोला, सर खुद नहीं आए। अच्छा, क्या नाम है सर का? सर का नाम नहीं पता नहीं, एनसीसी वाले सर आएंगे। अच्छा, उन्होंने बोला कि कल जमा होएगी, परसों आए थे हम साइन करके चले गए थे। सर ने बोला चले जाओ फाइल बना कर लाना, मतलब आज के दिन मंडे वाले दिन 10 बजे आ जाना। कॉलेज बंद है यहाँ, अब किसे जमा करें हम? मोहम्मद जी, यहाँ पर आज माचरा डिग्री कॉलेज में किस लिए आना हुआ आपका? देखिए मैं आपको बता दूं कि माचरा डिग्री कॉलेज के अंदर इस समय 10:30 के समथिंग का टाइम होने वाला है, लेकिन कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय पर भी ताला लटका हुआ है और कॉलेज के जो है लाइब्रेरी के ऊपर भी ताला लटका हुआ है। जबकि ग्रीष्मकालीन के अगर देखी जाए तो कार्यालय और लाइब्रेरी ये कभी भी बंद नहीं होती है। कॉलेज का स्तर ये हो चुका है कि कॉलेज में छात्र मार्कशीट के लिए जो है, अपने TC के लिए, सारी चीज़ों के लिए आज आए हुए हैं। कुछ छात्रों का प्रैक्टिकल भी है, उनकी फाइल जमा करने के लिए भी आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था ये हो चुकी है कि कॉलेज के अंदर ताला लटका हुआ है, कोई प्रोफेसर आने को तैयार नहीं है। हमारी मांग केवल आज कॉलेज के अंदर ये है कि जब ऐसी व्यवस्था कॉलेज के अंदर रहेगी तब स्टूडेंट के हित का क्या तुम सोचोगे? कॉलेज प्राचार्य को ये सोचना चाहिए कि कॉलेज के अंदर परीक्षाएँ चल रही थी अभी कुछ समय पहले, जो स्टूडेंट परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय को देता है पंखे के नाम पर, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, आज वो जस तस पड़ा हुआ है। कॉलेज की स्थिति यह है कि पानी तक कॉलेज के अंदर नहीं है, और इस तरह से अगर यही हालात चलते रहे तो कैसे कार्य चलेगा अंदर की? मैं आपको बता दूं कि पंजीकरण भी अगर देखे जाए तो शिक्षकों के रजिस्टर तलक नहीं बने हुए हैं। छात्रों के जो इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के अभी तक जो है पंजीकरण, जो नाम का रजिस्टर होते हैं, वो तलक बने हुए नहीं है। कॉलेज केवल राम भरोसे चल रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह छात्र आ रहे हैं, यहाँ गेट भी लगा हुआ है, तो यहाँ के जो टीचर हैं उनका क्या कहना है? टीचरों का तो मैं आपको बता दूं कि टीचर तो यहाँ कभी कोई 12 बजे आएगा, कोई 1 बजे आएगा, बल्कि कई कई दिन तो टीचर आने को ही तैयार नहीं है। आएंगे 4 दिन में और 4 दिन के अपनी जो है अटेंडेंस भरेंगे और खेल ख़त्म होगा। हालात ये हो रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी उस कॉलेज का छात्र क्या करेगा? समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस माचरा डिग्री कॉलेज का इस देहात कस्बा किठौर के क्षेत्र के अंदर एक बड़ी पहचान है, ये मेरठ तलक भी बड़ी पहचान है, लेकिन आज पहचान ये माचरा डिग्री कॉलेज अपनी खो चुका है, जिसको हमें दर्द है, क्योंकि हम यही माचरा डिग्री कॉलेज से जो है एजुकेशन प्राप्त करके विश्वविद्यालय तक गए हैं, और हमें इस चीज़ का दर्द है कि आज सारी चीज़ें यहाँ जस से तस पड़ी हुई हैं और सब चीज़ें राम भरोसे चल रही हैं।